रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। बाढ़ थाना परिसर में रामनवमी महोत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारी और आयोजन समिति के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा निकालने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नवकुंज कुमार, अंचलाधिकारी जितेंद्र कुमार, थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार, मुख्य पार्षद संजय कुमार, अनिल गुप्ता, सुमित नीलमणि उर्फ कुंदन सिंह, विनय कुमार कुशवाहा आदि मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए बाढ़ से अभिरंजन कुमार की रिपोर्ट। कल ही से हम लोग लगते हैं, घाट पे भी लगना है, रेतिया भी सब करना है, रमजान भी है, सब चीज है, हम लोग मुख्य सफाई है। और शांति पूर्व की सबसे खुशी की बात है कि दोनों का वार्ता एक साथ होगा। हमारे बहुत खुशी की बात है कि एक साथ चले हम लोग, इतना सहयोग हुआ करेंगे हम लोग सफाई संबंधित हो। और जहाँ तक लाइट का बात हुआ जनरेटर लगाने का, हम वहाँ से जनरेटर लगवा देंगे, लाइट लगवा देंगे, शांति से हो जाए, बढ़िया से हो जाए। कहीं लाइट कटा हुआ रहेगा तो अंधेरा में क्यों हो, हम लोग इसका लाइट भी लगवा देंगे, जो भी ट्यूब लाइट होगा वो लगवा देंगे, दवा बच्चे जो भी करवा देंगे। जहाँ पे हम लोग से कोई दिक्कत हो, हम लोग खाली रास्ता किधर किधर जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दिया जाए, हमें जानेंगे तो हर करवा देंगे बस। और इसके लिए हमें सबके बहुत बहुत खुशी है कि शांति से हो, बढ़िया से हो, दोनों चीज हम लोग का है, इधर चल रहा है, उधर दोनों चीज है। सब दिन हम लोग जाता है बाजीपुर से, सब दिन वहाँ पर बाजीपुर में हर बार देखा गया, वहाँ पर सब लोग अपने मिल के बेचारे चौक पर, सब जगह थाना चौक पर, सब जगह सब हम लोग, ये बाढ़ का ये मतलब बहुत बढ़िया चीज है, एकता रहना चाहिए, रहेगा, हमको पूर्ण विश्वास है इसके लिए।